नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बिहार में कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और संक्रमितों के मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं पटना में एक और मरीज कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद बिहार में कोरोना के मामले बढ़कर 5 हो चुके हैं। पटना में कोरोना के मामले अधिक पाए जा रहे हैं। आर्म्स डीलर और भगौड़े संजय भंडारी के खिलाफ ईडी में चल रहे मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय भंडारी के करीबी सीसी थम्पी और सुमित चड्डा के खिलाफ दिल्ली की अदालत में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम भी जिक्र है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आगामी 5 जनवरी को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। दरभंगा में उनका दौरा प्रस्तावित है। अपने बिहार दौरे में वे लगभग 20,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री आमस दरभंगा पथ का शिलान्यास करेंगे। 4 पैकेज में बनने वाली इस सड़क में पहले पैकेज आमस रामपुर का काम शुरू है, दूसरे पैकेज शिवरामपुर रामनगर का भी काम शुरू है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। पटना जिला क्रिकेट संघ का घरेलू सत्र खरमास के बाद शुरू होगा और इस घरेलू सत्र के सफल संचालन की जिम्मेवारी धनंजय कुमार को सौंपी गई है। यह फैसला पटना जिला क्रिकेट संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया गया। आम सभा में लिए गए फैसले के अनुसार पटना जिला सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग 15 जनवरी और जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग 16 जनवरी से होगा। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विशेष ने दावा किया है कि 2024 में बसंत पंचमी के अवसर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कार्य पूर्ण हो चुका है, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कार्य प्रगति पर है, काशी में ज्ञान व्यापी परिसर विवाद में भी कार्य प्रगति पर है, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के मुद्दे पर भी कार्य जारी है। उन्होंने आगे कहा, अब 40 अन्य धर्म स्थलों की मुक्ति के लिए एक साथ न्यायिक संवैधानिक धर्म युद्ध की तैयारी पूर्ण हुई है। 2024 में बसंत पंचमी को संवैधानिक धर्म युद्ध प्रारंभ का शंखनाद होगा। बिहार में कार्यरत करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक अब राज्य कर्मी कहलाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति मिलने के साथ ही शिक्षा विभाग ने इसे अधिसूचित भी कर दिया। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। योगदान के साथ ही वह विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, साथ ही उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल शिक्षकों के अनुरूप वेतनमान व अन्य लाभ मिलने लगेगा। चीन और रूस के बाद भारत कोविड टीकों का तीसरा बड़ा निर्यातक बन गया है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जनवरी 2021 से जून 2023 तक 3.1 करोड़ कोविड टीके की खुराक का निर्यात किया है। इसमें से कुछ 70% यानी 23.4 करोड़ कोविड टीके वाणिज्यिक उद्देश्य से दिए गए। 17.3% टीकों की खुराक कोवैक्स के माध्यम से सीधे तौर पर निम्न आय वाले विकासशील देशों को दी गई थी। बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ अलग फसल लगाने में जुटे हैं। ऐसे में उन्हें कम मेहनत से ज्यादा का मुनाफा हो रहा है। सूबे की सरकार इन किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इनमें से ही एक सब्जी विकास योजना है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा किस्म की सब्जियों की खेती करने पर सरकार 75% तक की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग की साइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं। रिपब्लिकन 2024 के राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपने बॉस जो बिडेन से बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस भूमिका में मौजूद व्यक्ति से बदतर कोई नहीं हो सकता। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बाइडेन से कहीं बेहतर कमला हैरिस है। एक चैनल से बातचीत में कहा कि बाइडेन के लिए राष्ट्रपति पद का वोट वास्तव में हैरिस के लिए वोट है। नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म ITR 1 और ITR 4 को नोटिफाई कर दिया है। आमतौर पर इस फॉर्म को मार्च के अंत में जारी किया जाता है। ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को 50 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति, कंपनियां और HUF फाइल कर सकते हैं। डीप फेक पर सरकार ने बीते दिन एक और एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को IT नियम का पालन करने की सलाह दी है और लोगों को भी इस बारे में बताने के लिए कहा है। विशेषकर डीप फेक को लेकर कंपनियों को आगाह किया गया है और उनसे गलत और अनुचित कंटेंट पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। एडवाइजरी में रूल 3(1)(b) का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि कोई अनुचित कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या शेयर करता है, तो उसके खिलाफ इस रूल के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपने कई वीडियो में धरती को गोल और नीले सफेद रंग में चमकते हुए देखा होगा। आज हम आपको अंतरिक्ष से शूट किया गया एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें धरती चांद की रोशनी से जगमगा रही है। ये वीडियो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें आप चमकती धरती को घूमते हुए देख सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि धरती सूर्य की रोशनी जाने के बाद भी अपनी गति से घूमती हुई दिख रही है। आप पृथ्वी को गहरे नीले और सफेद रंग में देख सकते हैं, जबकि इसके एक तरफ बिजली से जगमगाता नजारा भी देखने को मिल रहा है। नया साल 2024 शुरू होने वाला है और अगर आपको साल के पहले महीने यानी जनवरी में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल जनवरी के महीने में आधे दिन बैंक हॉलीडे रहेगा। आरबीआई के लिस्ट के मुताबिक कुल 16 दिन बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। ऐसे में जरूरी कामों को दिसंबर में बाकी बचे दिनों में ही निपटा ले और अगर अगले महीने ही बैंक जाना जरूरी है तो वो एक बार आरबीआई लिस्ट चेक करके ही घर से निकले। भारत की सीमा में किसी भी तरह की घुसपैठ करने वालों का अब मधुमक्खियों से सामना होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने इसके लिए योजना तैयार की है। भारत बांग्लादेश सीमा के कुछ हिस्सों पर इसका काम भी शुरू कर दिया गया है। बॉर्डर के कंटीले तारों पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। फिलहाल यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। यदि इसमें सफलता मिलती है तो इसे बड़े पैमाने पर किया जाएगा। भारतीय कंपनियों ने जनवरी से जून के दौरान दुबई में 33.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां इस साल से पहले 6 महीने में दुबई में निवेश करने के मामले में सबसे आगे निकल गई है। इससे पहले 2022 में कुल निवेश 54.1 करोड़ डॉलर था। रियल एस्टेट सलाहकार वेस्टियन ने यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक दुबई में भारत की ओर से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2020 से इस साल जनवरी जून के बीच 1.6 अरब डॉलर का रहा है। IRCTC ने यात्रियों के लिए ऊटी टूर पैकेज पेश किया है। इस टूर पैकेज की शुरुआत साल 2024 में होगी। IRCTC का यह टूर पैकेज 3 रात और 4 दिन का है। इस टूर पैकेज में टूरिस्ट नए साल पर कुन्नूर और ऊटी की सैर करेंगे। IRCTC के अन्य टूर पैकेजों की तरह इस टूर पैकेज में भी टूरिस्टों के रहने और खाने की व्यवस्था करा जाएगा। गौरतलब है कि IRCTC टूरिस्टों के लिए देश और विदेश के विभिन्न टूर पैकेज पेश करता रहता है। भारतीय नौसेना ने व्यापारिक जहाज MV केम प्लूटो पर हमले अरब सागर में समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद नौसेना ने समुद्री सुरक्षा अभियान की जानकारी दी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार ने कहा कि भारत ने व्यापारी जहाजों पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए कई तरह की तैयारी की है। 4 नवीनतम युद्धपोतों का तैनात किया गया है। रक्षा कर्ज चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर अवधि में सालाना आधार पर 20.6% बढ़कर 1,10,715 करोड़ रुपए के 5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले ही समान अवधि में भारतीयों ने 96,853 करोड़ के शिक्षा कर्ज लिए थे। शिक्षा कर्ज में वृद्धि की रफ्तार 2022-23 में 12.3% रही थी, जबकि 2021-22 में इसमें 3.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। घरेलू विनिर्माण व निर्यात बढ़ाने के साथ आयात घटाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 24 उपक्षेत्रों के साथ काम कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत भी 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। DPIIT की 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान बना रहा है। DPIIT जिन क्षेत्रों के साथ काम कर रहा, वे भारतीय उद्योगों की ताकत है। उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त निर्यात संभावना और बड़ी रोजगार क्षमता को ध्यान रखकर चुना गया है। देश के चालू खाते का घाटा 2023-24 की दूसरी तिमाही में कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1% या 8.3 अरब डॉलर रह गया। मुख्य रूप से वास्तु व्यापार का घाटा कम होने और सेवा निर्यात बढ़ने से चालू खाते का घाटा कम हुआ है। RBI के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 की दूसरी तिमाही में यह 3.8% या 30.9 अरब डॉलर रहा था। कैट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9.2 अरब डॉलर या 1.1% था। भारत का ग्लोबल मार्केट में बड़ी सफलता मिल गई है। लंबे समय से जारी कोशिश ने आखिर रंग दिखाना शुरू कर दिया और संयुक्त अरब अमीरात रुपए में लेनदेन करने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने UAE से कच्चा तेल खरीदकर उसे भारतीय मुद्रा में भुगतान किया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी के लिए काफी राहत भरी खबर है। इसके साथ ही भारत ने अपनी मुद्रा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। कैंसर का इलाज देश के दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय शोधकर्ताओं को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बायोपसी जांच के लिए रोगी का सैंपल ड्रोन के जरिए बड़े अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने में सफलता हासिल की है। अब ICMR जल्द ही राज्यों के साथ दिशा निर्देश साझा करेगा ताकि आखिरी छोर के कैंसर मरीजों का इलाज आसानी से हो सके। जानकारी के अनुसार ICMR ने ड्रोन का इस्तेमाल करके टीके और दवाइयां पहुंचाने की व्यवहारिता का आकलन करने के लिए iDrone प्रोजेक्ट शुरू किया। नीरज चोपड़ा ने 2023 में खेल में एक विशेष पूर्ण चक्र पूरा किया और प्रत्येक प्रमुख पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। उन्होंने अपना और भारत का पहला विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण और अपना दूसरा एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक चैंपियन कमर की चोट से उबरकर वापस आए, भारत के पहले ट्रैक और फील्ड विश्व चैंपियन बने और अपने एशियाई खेलों के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव भी किया।
27 दिसंबर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट uppbpv.gov.in पर जाकर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 60,244 रिक्तियां भरी जाएंगी। अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें संदेह है कि मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकवादी हमला था। संपर्क करने पर इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाई नीर ने कहा, हम पुष्टि कर सकते हैं कि शाम 5:48 बजे के आसपास दूतावास के नजदीक एक विस्फोट हुआ था। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा टीम अभी भी स्थिति की जाँच कर रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी 5 दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान कहा है कि भारत और रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अतिरिक्त बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। यह घोषणा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के बीच व्यापक वार्ता के बाद की गई है। सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो की दर से चावल बेचेगी। इसकी बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से की जाएगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार चावल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत आटा और दालों की बिक्री करती है। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब हाथी सफारी नहीं होगी। यह प्रसिद्ध पार्क असम में है और यहां अनिश्चितकाल के लिए हाथी सफारी को निलंबित कर दिया गया है। 24 दिसंबर से ही काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी सफारी पर रोक लगा दी है। इससे पहले असम वन विभाग ने अपने हालिया निर्देश में प्रत्येक हाथी पर वन विभाग के एक अधिकारी की सीट आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने इसका विरोध करते हुए अनिश्चितकाल के लिए हाथी सफारी पर रोक लगा दी है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू गोलू कुमार, नौशद राजा, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा से पार्टी को क्या लाभ मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।